अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान्स किचन। आज की रेसिपी है बघारा खाना और दाल चाय की रेसिपी बता रही हूँ मैं। यहाँ छोटी सी मीडियम साइज़ अनियन ले ली, फर्स्ट बघारा खाने की रेसिपी बता रही हूँ। एक बेजिल ले ली मैं, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल डाली। ऑयल गर्म हुए तक हम यहाँ पे प्याज अनियन जो है स्लाइस करके रख लेंगे। सबसे पहले हम ऐड करेंगे यहाँ पे गरम मसाला। गरम मसाले में मैं शाजीरा इलायची लौंग दालचीनी डाल के उसको पीस ली थी और 2 बी लीव्स के तेज़पत्ते है जो वो मैं ऐड करके अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ये थोड़ा फ्राई होंगे मैं ऐड करूंगी स्लाइस्ड अनियंस जो कि स्टार्टिंग में बताई थी, वो स्लाइस करके ऐड करेंगे। अच्छे से इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक फ्राई होते हैं यहाँ पे थोड़े से पुदीना, थोड़ा सा करियापाक और थोड़ा सा धनिया के पत्ते और यहाँ पे 2 स्लिटेड ग्रीन चिलीज ले ली मैं, सब हाफ हाफ बंच ले ली मैं। अब यहाँ पे 3 टीस्पून मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अनियंस फ्राई हो चुके हैं, आपको लग रहा है एकदम मसाला काला काला, लेकिन चावल एकदम क्रीमी कलर में आए थे, बिल्कुल भी काले नहीं बने थे। यहाँ पे सॉल्ट ऐड करी मैं 4 टीस्पून, आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। जो बताई थी मैं हरा धनिया, पुदीना के पत्ते, करी पत्ते और स्लिटेड ग्रीन चिलीज वो भी ऐड करके अच्छे से इसके अरोमा अच्छा सा आए तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ये आसानी से बनने वाली रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पर भुने गया है मैं, इसमें ऐड करूँगी अभी वाटर। अब 1 kg राइस का बता रही हूँ मैं आपको बघारा खाना, उसके लिए 8 ग्लास वाटर ऐड कर दी थी मैं। अब यहाँ पे अच्छे से इसको इसमें उबाला है तक इसको उबालने के लिए रख देंगे। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही अच्छी टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ बता रही हूँ मैं आपको रेसिपीज़, ज़रूर से आप लोग ट्राई कीजिए। यहाँ पे उबाल अच्छे से आ चुका है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी जो वॉश्ड 1 kg राइस है वो ऐड कर दूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरी रेसिपी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी मेरी रेसिपी देखने के बाद। एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी मिर्च और नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। कोई लोग कम खाते, कोई लोग ज़्यादा खाते, इसलिए आप लोग के टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च नमक ऐड कीजिए। अब मैं यहाँ पे राइस डाल के देखिए हाफ कुक हो चुके हैं और थोड़ा सा कुक होना है। अब यहाँ पे 80% कुक हो चुके हैं, मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी ताकि दम हो जाए पूरे राइस। अब यहाँ पे राइस पूरे अच्छे से पक चुके हैं, अच्छा सा हो चुका है, मैं यहाँ सर्व कर ली। नेक्स्ट रेसिपी की ओर जाएंगे, वो है गोश्त और कद्दू का दाल चाव। बहुत ही आसानी से बनने वाला, बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बनने वाला ये दाल चा है। आइए देख लेते हैं दाल चे को। यहाँ पे मैं 3/4 कप चने की दाल ले ली, इसको 3 विजिल्स लगा के गला ली। गला लेके इसके अंदर मैं 100 ग्राम्स इमली का पल्प डाल के दाल को अच्छे से घोट ली थी, मैश कर ली मैं। वो इमली बताना मैं भूल गई थी, इसलिए 100 ग्राम्स इमली ऐड होगी तो वही बता रही हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा हड्डियों का गोश्त ले ली, इसमें छोटी सी अनियन स्लाइस करके डाल दी। अब इसमें फ्यू इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि है 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 10 टर्मरिक पाउडर ये भी ऐड करके मैं यहाँ पे 15 ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बनाई थी, थोड़ा सा वाटर ऐड करके वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये हांडी में ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट भी ऐड कर देंगे जब तक ये होते रहेगा। यहाँ पे हम ये 5 टोमेटोस है स्लाइस करके रख लेंगे और यहाँ पे कद्दू है एक, उसको भी अच्छे से ऐसे पील करके शेप में कट कर ली। अब यहाँ पे हांडी देखिए अच्छे से गल चुका है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कद्दू और टमाटे और थोड़े से हैंडफुल करी लीव्स और 1 बंच ऑफ करी अंडर लीव्स जो कि धनिया के पत्ते हैं, इसको अच्छे से ऐड करके अब पकने के लिए छोड़ देंगे। इसमें पानी ऐड करने की कुछ ज़रूरत नहीं रहती, कद्दू का और टमाटर के पानी से ही अच्छे से ये कद्दू गल जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर बीच में हिलाते जाना है और टमाटोस को उसको अच्छे से भूनना है। देख सकते हैं आप पानी कितने अच्छे से छूटा है, कुछ पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑलमोस्ट 20-30% गल चुका है कद्दू। अब यहाँ 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड करी। जैसे ही गरम मसाला पाउडर ऐड करी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी, बहुत ही अरोमेटिक रेसिपीज है ये। अब देखिए यहाँ पे कद्दू अच्छे से गल चुका है। अब जो बताई थी मैं जो चने की दाल उबाल के उसको अच्छे से मैश करके उसमें इमली का पल्प डाली थी वो भी इसमें हांडी में ऐड कर लेंगे, दाल और इमली।
इमली की खट्टी बो गए तक हम इसको पकाने का है। बहुत ही आसानी से प्लानिंग के साथ करेंगे तो बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। अब यहाँ पे रेडी हो चुका है दालचा, मैं सर्व कर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।